ज्योग्राफी का एनालिसिस करेंगे सब्जेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंपटीशन कितना 52 सीट्स हैं, 52 सीट्स के लिए कंपीट करना है, 264 कैंडिडेट्स हैं। अगर दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर किया जाए कॉमर्स पंजाबी से बहुत ज़्यादा कम मतलब कंपटीशन कम है इसमें, लेकिन कई फैक्टर बड़े हैं जैसे अच्छा दूसरा है कि फीमेल और मेल की रेशो 60-40 है, फीमेल यहाँ भी ज्यादा है। यूजीसी जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंपेयर द यूजीसी, एक बड़ा फैक्टर ये आया है कि राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं जब वो इसका आंसर देते हैं तो वो पंजाब के कैंडिडेट से बहुत मैच नहीं करता। पंजाब के कैंडिडेट दैट इज वाई मैंने यहाँ मिक्स आंसर लिखा है। पंजाब के कैंडिडेट्स ने ये कहा है यस बेटर क्वेश्चन है, जैसे पिछले एनालिसिस में एमसीक्यू कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्शन का लो लेवल दिखाई दिया है, वैसे अगर सिर्फ पंजाब के कैंडिडेट्स पर फोकस किया जाए तो उनके अनुसार ये यूजीसी के नियरली लेवल का पेपर था। न्यू क्वेश्चंस जो यूजीसी में नहीं पूछे जाते या नए ढंग से पूछे गए क्वेश्चन इसमें थे, जो मेमोरी अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन का उसका एनालिसिस आगे जाके करते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा रिस्पांस दिखाई दिया। अगर दूसरे अभी तक केमिस्ट्री और ज्योग्राफी का ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस दिखाई दिया, अगर सभी बाकी केमिस्ट्री को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर करें तो ये पेपर जो क्वेश्चन है इन पेपर सेटर को थोड़ी मुबारकबाद जाती है, लेकिन राजस्थान के कैंडिडेट से अभी कंपेयर करेंगे। अच्छा कि रेपिटिशन हुई कि नहीं हुई, टोटल 14 साल के किसी कैंडिडेट ने 14 साल के पिछले पेपर वो पढ़ के गए थे, उन्होंने देखा कि 4 क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछे गए हैं ज्योग्राफी में, तो बाकी जो है क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा गया कि मिलते हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने न्यू आंसर, ये पंजाब के कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो इनको ज़्यादातर न्यू क्वेश्चन कहा और रिस्पेक्टफुल वे में उन्होंने अच्छी तरह से बात की, मतलब कि क्वेश्चन मेकर को ये पॉजिटिविटी जाती है। इट मीन्स डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरिएशन पाई जा रही है, ये वेरिएशन क्यों है, लेकिन ज्यादा कंस्ट्रक्शन जो है डाउन क्यों है, इसके कारण अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल प्रोफेशन फॉर, चलो वो स्कूल टीचर्स के लिए है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर जो बन रहे हैं फर्स्ट ड्राफ्ट उसका आ चुका है, लेकिन अल्टीमेटली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसने टीचर्स की क्वालिटी, टीचर की इफेक्टिवनेस उस पर भी अगर ध्यान देना है तो ऐसे जो इंस्टांसेस है सिलेक्शन के उसको एनटीए को सौंपना ही पड़ेगा, जैसे कि पॉलिसी ने खुद भी सजेस्ट किया है। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो 15 से 20, वेरी डिफिकल्ट मैं क्यों पूछता हूँ ये क्वेश्चन, इसलिए कि ये क्वेश्चन रैंडम गैस को मोटिवेट करते हैं जब आपके पास कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये डिफरेंस मिला है राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने उनको वैसे उन्होंने ज्यादा डिफिकल्ट इनसे ज्यादा भी बताई है, लेकिन वो रैंडम गैस की बजाय उन्होंने रैशनल गैस किसी न किसी ढंग से लगाए हैं। पर उनकी जो मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि अगर आप इसकी जगह आपने इसने 30 के करीब गैस लगाए रैंडम और सारे के लगभग कहते सारे ही गलत मेरे निकले, लेकिन जब अगर आप रैंडमली किसी एक तरतीब या किसी और नुक्ते को यूज करके जैसे कुछ वीडियो मिल जाती हैं वो सजेस्ट करते हैं तो मेरे ख्याल में 3-4 मार्क्स आ जाने थे। सोच के देखिए 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 एक मिनट सोचकर रीजनिंग से आंसर दिया वो गलत हो गया, ठीक है 30 में से सारे वो कहते मेरे गलत ही लगभग एक आध शायद ठीक हो, अगर बिना सोचे किसी उसको टिक लगाते तो 3-4-5 ठीक होने की संभावना ज्यादा है। यहां पर नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं ना, जब आइटम एनालिसिस करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए टेस्ट जिसमें एमसीक्यू टेस्ट क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें एक मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आइटम नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन पावर होती है, तो ऐसी जो ऐसे क्वेश्चन जो है नेगेटिव जो अच्छे कैंडिडेट रैशनल कैंडिडेट को नहीं चुन रहे बिना रैशनल के कुछ चुन रहे हैं तो वो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन पावर है, ये तो एक तरह का कर्स है। इवन जीरो डिस्क्रिमिनेशन पावर वाले भी क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किया जाता, जब आप स्टैंडर्डाइजेशन किसी टेस्ट की करते हैं जो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर करते हैं उनको सब पता है, इवन डीपी वैल्यू पॉजिटिव एंड प्लस 0.4 से ज्यादा जनरली सिलेक्ट की जाती है।
तो ये देखिए कि मतलब यहां पर ये हो क्या रहा है। वापस आते हैं, ऑब्जेक्शन थ्री तीन क्वेश्चन में हुई है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्शन दो ग्रेस आपको शायद की है, आपने देख ली होगी, दो ग्रेस मिल चुके हैं आपको। प्रिंटिंग एरर इन्होंने जीरो बताई है, ठीक है। इसके अलावा जो एनालिसिस इंटर वो वाले क्वेश्चन है, पंजाब वालों ने 20 से 25 के करीब ऐसे क्वेश्चन बताए हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जो टाइम इनको लगा के, क्योंकि ये कह रहे थे कि सोचना पड़ा, रीजनिंग थी, रीजनिंग के कारण ये पंजाब के कैंडिडेट का एनालिसिस हो रहा है। दैट इज वाई, मतलब टाइम ऐसे नहीं कह सकते कि 10 15 20 मिनट पहले खत्म हो गया, ऐसे कैंडिडेट नहीं मिले मुझे, मेरे सैंपल में नहीं मिले। हाँ, एक एरर फाइंड आउट हुई जिससे हम सारे लर्न कर सकते हैं। एक कैंडिडेट ने ये कहा कि मैंने मेरे लगभग 15 क्वेश्चन रहते थे और लगभग 12 से 15 जो मिनट बचे थे, ठीक है। इट मीन्स इन्होंने इन्होंने रिस्क ले लिया, अब एक क्वेश्चन को 1 मिनट मिल रहा है। रूल क्या है कि आपको हर हालत में 100 जो लास्ट क्वेश्चन था 10 15 मिनट पहले वहां तक पहुंच जाना चाहिए, ये बात को समझ लीजिए। ये नेक्स्ट टाइम जब अपने स्टूडेंट्स को टीच करना है, ये रूल वैसे मैंने वीडियो बनाई भी थी उसमें बताया भी था। तो अब ये टाइम नहीं बचा, रिव्यू का कोई टाइम नहीं बचा। और सबसे बड़ी गलती इन्होंने क्या की थी, जिससे हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है। गलती एक बहुत बढ़िया चीज होती है जिससे हम या दूसरे दोनों ही लर्न कर सकते हैं। ऐसे ही एजुकेशन में होना चाहिए कि बच्चा गलती करता है तो हमने रिएक्ट नहीं करना, हमने आइडेंटिफाई करना है, उस पर उसको थिंकिंग करवानी है, नेचुरली मॉडिफाई करवाना है, फिर यही एजुकेशन या लर्निंग है। अच्छा, रॉन्ग स्ट्रेटेजी उनकी क्या रही कि वो अभी तक ये जो 85 क्वेश्चन कर चुके थे, रेड पेन से लिखता हूँ, 85 क्वेश्चन कर चुके थे, ये भी उन्होंने OMR शीट पर फिलिंग नहीं की थी। इट मीन्स अगर उनके 15 मिनट पड़े हैं और 15 ही क्वेश्चन पड़े हैं, या 12 13 14 क्वेश्चन पड़े हैं, तो उन्होंने अभी तक ये टाइम भी चाहिए कि OMR शीट को फिल करना है, ठीक। तो दैट इज वाई, ड्यू टू दिस स्ट्रेटजी उन्होंने मेरे ख्याल में 2 4 मार्क्स खोए होंगे, क्योंकि रीजनिंग, जब देखिए अच्छी तरह से समझने की बात है, जब आपकी स्ट्रेटजी ये चल रही है, टाइम कम हो गया, टाइम ये कम होने के कारण जो स्ट्रेस है। अच्छा, ये पंजाबी वालों का भी जब एनालिसिस हुआ, कुछ रिस्पांस ऐसे आए, कई और भी सब्जेक्ट के हैं मुझे याद नहीं है, कि जब स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, स्ट्रेस लेवल बढ़ने, फिजिकल एजुकेशन के वो कैंडिडेट्स ने बताया था, वाई आप से क्या गलती हुई कि आपके स्कोर जितने भी आए उससे बेटर आ सकते थे, तो दैट इज वाई स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हुई। ये जो सिचुएशन क्रिएट कर ली गई, इससे स्ट्रेस जो थी इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने से रीजनिंग जो होती है हमारी, याद रखना है, वो जब स्ट्रेस इंक्रीज होती है रीजनिंग तब उतनी वीक पड़ जाती है, नेचुरली आप उतने क्वेश्चन को एनालाइज अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। तो दैट इज वाई ये स्ट्रेटजीज हमें लर्न करनी जरूरी है, सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, स्ट्रेटजीज भी, नॉलेज भी, प्लस रिफ्लेक्शन भी, ठीक। तो ये प्रेशर और ये दो गलतियों से हम सभी सीख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम इन बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, जो मेरे पास एक्सपेक्टेड रेंज आ रही है वो 60 से 72 तक की आ रही है, ठीक। मेरी किसी भी उसको जनरलाइज मत कीजिए, आप अपने जो, क्योंकि मेरे पास जो फोन होते हैं, जहाँ उनसे नेक्स्ट फोन स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है ना, जैसे उससे कोई नेक्स्ट एंड्रॉइड उसका फोन मिल जाए, तो मेरी रेंज में जितने आए उनकी रेंज बताता हूँ। अगर आपके पास और है उसमें ऐड कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी जनों को पता चल जाए, 1 2 दिन की टेंशन है, सब बाद में सब नेचुरली सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट थी क्वेश्चन की, जैसे UGC के 10 यूनिट्स है, 10 में से 10 10 10 10 आए, नहीं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा एवरेज से ज्यादा क्वेश्चन आए किन में से, वर्ल्ड ज्योग्राफी में से, फिजिकल ज्योग्राफी में से ज्यादा क्वेश्चन आए, लेस क्वेश्चन किस में से आए, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में से, कल्चर में से, इकोनॉमिक में से। तो इट मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी, ये वीक पॉइंट ज्योग्राफी का पेपर सेटिंग का रहा। अच्छा, फैक्टर जो है वीक जो जो जॉब में है उनकी रिलेटिवली परफॉर्मेंस, अगर सीधा कैलकुलेशन करें कि जो जॉब में थे वो जॉब में होने के कारण 5 मार्क्स लो जा रहे हैं, ठीक, और जो फ्री थे वैसे 5 से ज्यादा ही,
और फ्री हैं वो 5 या 5 से प्लस थोड़े 6-7 मार्क्स गेन कर रहे हैं। अच्छा, जीके शब्द यूज किया गया कि क्वेश्चन जीके वाले भी थे। फॉर एग्जांपल एग्जांपल दी गई है, ये राजस्थान वालों ने भी बताया कि 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिजर्व नहीं करते थे इस लेवल पर, लेकिन पिछले क्वेश्चन से कंपेयर किया जाए तो ये क्वेश्चन बेटर है क्योंकि उनके लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वेरी डाउन वाले थे। यहाँ स्कूल लेवल के 6 क्वेश्चन आए हैं, जैसे वाटर डे कब है, अर्थ को एक गुड फ्राइडे करके कोई क्वेश्चन था जो जस्ट इंफॉर्मेशन लेवल के थे, ऐसे 6 क्वेश्चन थे। ठीक, तो अच्छा ये प्रॉब्लम पहले भी आई है, आपको कहा जाता है कि वॉच नहीं लगा के आ सकते, रूम में वॉच इनको नहीं मिली, कैंडिडेट ने ये कहा, ये दिस इज ऑब्जेक्शनेबल। ओवरऑल जब पूछा गया कि आपका क्या लेवल रहा, तो देखिए मोस्ट ऑफ कैंडिडेट ने पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर लेवल का जो पेपर था वो बताया, लेकिन जब राजस्थान को कंपेयर करें वो ग्रेजुएशन को बीच में रेंज इतनी बनाते हैं, ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन का कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो ग्रेजुएशन लेवल के थे। अच्छा, राजस्थान के अगर पंजाब के टेस्ट से कंपेयर किया जाए, काफी फैक्टर सामने आते हैं। राजस्थान के जो टेस्ट ऑलरेडी होते हैं, ये पक्की बात है कि वो पंजाब के जो टेस्ट होते हैं उनका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है। अगर इसको यूजीसी के साथ कंपेयर किया जाए, कलर कोई और ले लेते हैं, यूजीसी के साथ कंपेयर किया जाए तो राजस्थान के टेस्ट हैं वो यूजीसी से भी ज्यादा हायर डिफिकल्टी के होते हैं। और अगर इन तीनों में से देखा जाए तो पंजाब के टेस्ट तीसरे रैंक पर आते हैं डिफिकल्टी लेवल के। इट मींस पंजाब के टेस्ट आसान होते हैं, जहां उनकी जो कंसेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग लेवल और एप्लीकेशन लेवल के नहीं होते, दूसरा मीनिंग ये भी है। ठीक, तो मेमोरी लेवल के कितने थे, जो पंजाब वाले हैं उनको नहीं लगा कि मेमोरी लेवल के ज्यादा थे, लेकिन राजस्थान वालों ने फील किया कि ज्यादा क्वेश्चन रिलेटिवली उनको लगा। क्यों लगा ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो अपने पिछले एक्सपीरियंस से कंपेयर करते हैं, पिछले एक्सपीरियंस में उन्होंने जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए हैं उनके लेंथी वो स्टेम्स होती हैं, क्वेश्चन होते हैं, डिस्ट्रक्टर भी काफ़ी लेंथी होते हैं, अंडरस्टैंड करना पड़ता है सिचुएशन को, फिर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो जब वो इतनी छोटी छोटी स्टेम के पास का सामना करते हैं तो उनको ईजी लगता है, यूजीसी का एक्सपीरियंस भी उनके पास है, तो दैट इज वाई जब ये देखा तो उनको ज्यादा फील होया कि यार ये फैक्चुअल ज्यादा है, मेमोरी लेवल के इन्होंने क्वेश्चन जितनी एक्सपेक्टेशन उनकी थी उससे कम पूछे हैं। लेकिन जब इस ज्योग्राफी को हम दूसरे पेपर से कंपेयर करते हैं तो इसमें मेमोरी लेवल दूसरे पेपरों से कंपेयर करके कम है। अच्छा, राजस्थान के लोगों ने ये भी फील किया कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन थे वो यूजीसी से जो थे कंपेयर करते हैं तो वो लगभग इक्वल उनको रख रहे हैं। तो वैसे वो यूजीसी को ज्यादा पंजाब के से जब कंपेयर करें यूजीसी से ज्यादा कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल के यूजीसी के पेपर से ज्यादा नहीं है, लेकिन पंजाब वालों ने कहा है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल के ज्यादा हैं, ये डिफरेंस मिला है। ठीक, अच्छा, जब पूछा गया डीप क्वेश्चन थे तो राजस्थान वालों ने नो कहा और पंजाब वाले यस कहा। यहाँ डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि इनको अपने पिछले एक्सपीरियंस के कारण, इट मींस पंजाब के जो टेस्ट हो रहे हैं जहाँ इस लेवल के टेस्ट हम इन यूथ के ले रहे हैं, तो इनको डिफिकल्टी लेवल या कंसेप्चुअल या अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, दैट इज वाई उनको ये बेटर लग रहा है। उनको इनको ज्यादा पूछे जाते हैं डिफिकल्टी वाले, कंसेप्चुअल वाले, एप्लीकेशन वाले, दैट इज वाई इनको वो कम लग रहा है, दिस इज डिफरेंस। अच्छा, गैस वर्क लगाया गया, राजस्थान वालों ने रैंडम गैस नहीं लिखाया, जो फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट के 30 क्वेश्चन जो थे उसको नहीं आते थे, ठीक है, 70 आते थे, उनके मार्क्स भी 69 है, ठीक आए हैं, कितनी एक्यूरेसी है, तो उन्होंने 39 को कुछ सोच के ही गैस लगाया, थिंकिंग से, अभी मैं पीछे बात करके आया हूँ, थिंकिंग यूज की और 30 के 30 उनका लगभग 1 या 0 मार्क्स आ गया, मैं ये कह रहा था कि अगर वो 30 के रैंडम गैस लगाते, रैंडम गैस होता है बिना सोचे कोई टेक्निक लगा के वो लगाते, तो मेरे ख्याल से 3 से 5 मार्क्स आ जाने थे,
ठीक। तो यहाँ जो नहीं सोच रहा, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जो नहीं सोच के लगा रहा वो हायर जा रहा है, जो सोच के लगा रहा है वो लोअर लगा रहा है, इसी को नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन पावर कहते हैं किसी एमसीक्यू क्वेश्चन की। ठीक, तो ये जीरो से भी डाउन हो रहे हैं। ये एनालिसिस ये कह रहा है कि इस पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन पाए गए हैं। ठीक, क्वेश्चन जो वेरी डिफिकल्ट थे वो राजस्थान वालों ने इतनी रेंज निकाली है, जो कि हम ये बात कर चुके हैं कि इनको भी उनको उन्होंने रीजनिंग के से जोड़ के सॉल्व किया। जो एक प्रॉब्लम राजस्थान वालों को अलग से आई वो क्या थी कि पंजाबी और इंग्लिश में पेपर था, और पंजाबी के कुछ वर्ड इंग्लिश के वर्ड से मैच नहीं करते थे। एक्चुअली जो पंजाबी इंग्लिश का वर्ड था उसको वैसे ही पंजाबी या गुरमुखी लिपि में लिख दिया गया था, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम आई, और उन 6 क्वेश्चन ऐसे उन्होंने पाए जिनके कारण लैंग्वेज के वर्ड के कारण उनके वो क्वेश्चन गलत हो गए। इट मींस जो लैंग्वेज है वो कहते हैं हम, हमारे राजस्थान में ऐसे एक्यूरेसी नहीं होती, उसे ट्रांसलेट किया जाता है दूसरे दूसरी भाषा में। ठीक, मिसप्रिंट कितने हुए, राजस्थान वालों ने 2 क्वेश्चन को मिसप्रिंट कहा। ठीक, एक क्वेश्चन था जो जिसकी वो तो कहूंगा फर्स्ट ही क्वेश्चन था उनके सेट में, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कौन सी है। ठीक है, उसमें अमेरिकाज कहा था, वो सोचते रहे एस एस का मतलब मैं ये लूं कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों शामिल है या एक एक शामिल करना है। ऐसी एक एक प्रिंटिंग मिस्टेक जो है, जो लर्नर को साइकोलॉजिकली ये देखिए ये साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर रही है, ये डिस्टरबेंस कॉज बन रही है आपके राइट और रॉन्ग होने का, यहाँ पर मेरिट अपर या लोअर बन गई। इसके अलावा राजस्थान वालों ने वो बात रिपीट की, यहाँ टी शर्ट नहीं पहने पति, शूज नहीं, शूज की मनाही है, वहाँ काफी सख्ती होती है राजस्थान में क्योंकि अपॉइंटमेंट की करप्शन बहुत ज्यादा है वहाँ, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है करप्शन ज्यादा है तो सारे करप्ट हो के वहाँ कैंडिडेट, इन नॉर्मल मीडियोकर फैमिली को बच्चों को पूरी मेहनत करनी पड़ती है, जो पॉलिटिकल पावर या फाइनेंशियल पावर जिनके पास ज्यादा है वो कुछ सीट्स खरीद लेते हैं पेपर लीक करके या वैसे करके, जैसे भी उन्होंने बताया जी न्यूज़पेपर में काफी छप चुका है, लेकिन बाकियों को मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत इतनी ज्यादा करते हैं कि उनको ऐसा पेपर भी नॉर्मल लगता है, लेकिन पंजाब वालों को ऐसा पेपर थोड़ा बेटर या डिफिकल्ट या लगता है। यूजीसी से हम सारा कुछ ये कंपेयर कर चुके हैं। ये था ओवरऑल इस पेपर को, अगर बाकी पेपर से कंपेयर करें तो ये पेपर सेटर इन्होंने थोड़ा अच्छे पे क्वेश्चन सेट किए हैं, ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है, केमिस्ट्री से कंपेयर किए जा सकते हैं। तो इतना ही, थैंक यू।